Assalamu alaikum viewers. आज मैं इस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि विच फाइटर एयरक्राफ्ट इज यूजिंग AESA रडार, कौन कौन से एयरक्राफ्ट है AESA रडार यूज कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे सब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम इकोटेक मैनेज है, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका नॉलेज भी एनहांस होगा। बहरहाल मैं बात करता हूँ कि कौन से ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो AESA रडार यूज कर रहे हैं। मैं इससे पहले अपनी पिछले प्रीवियस क्लिप में इस रडार का फंक्शन, इसके जो पावरफुल फीचर्स हैं, वो सारे डिस्कस कर चुका हूँ और बड़े आसान अल्फाज में समझाए हैं, चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त हमारा जो जेरे डिजाइन और डिजाइन होने के फाइनल स्टेज पे जो एयरक्राफ्ट है, दैट इज JF-17 थंडर ब्लॉक 3, इसके लिए AESA रडार को चूज किया गया है। ये रडार चाइनीज बेस है, बट ये बड़ा बेस्ट परफॉर्मिंग रडार है। KLJ-7A इसको प्रोनाउंस किया जाता है और इसके लिए हमारे इस मॉडर्न फाइटर को जो है अपग्रेड किया गया है और इसके मुताबिक डिजाइन किया गया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो F-16 का जो न्यू वर्शन है उसके अंदर भी ये रडार इस्तेमाल किया जा रहा है। आल्दो के F-16 को डिजाइन किया गया था 1980s में, लेकिन उसके बाद इसके 4000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं, लेकिन इसमें मॉडर्न फीचर देने के लिए अमेरिका ने न्यू वर्शन के जो भी नए F-16 है उसके अंदर AESA रडार ही चूज किया है और फैसिलिटेट किया है। उसके अलावा पॉपुलर फाइटर एयरो फाइटर टाइफून भी इसी तरह का रडार इस्तेमाल करता है और इंडिया जिस एयरक्राफ्ट में बहुत इंटरेस्टेड है और ऑर्डर कर चुका है फ्रेंच राफेल, इसके अंदर भी यही रडार इस्तेमाल किया जाता है। होपफुली इंडिया फर्स्ट एयरक्राफ्ट कार्बन 2020 तक हासिल कर सकेगा। उसके अलावा जो है इंडोनेशिया और साउथ कोरिया मिलकर KFX नामी एक एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो उनका जॉइंट फाइटर होगा, ट्विन इंजन जहाज है और उसके अंदर भी इसी टाइप का रडार जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया का भी क्लेम है कि हम अपना जो मॉडल वर्जन तेजस का तैयार करेंगे। आल्दो भी तेजस के अभी 3 से 4 जहाज ये तैयार कर पाए हैं, लेकिन उनका ये क्लेम है कि जो आने वाले नए वर्जन होंगे उसके अंदर इसराइल साख्ता सेम क्वालिटी का AESA रडार जो है इस्तेमाल किया जाएगा। होपफुली दीज आर एक्सपेक्टेशंस, माइट बी वो फुलफिल कर सके या ना कर सके। बहरहाल आपकी खिदमत में बशर एहसान हाजिर रहा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।